के मुख्यमंत्री का आज दिल्ली का दौरा है। देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पानीपत से दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। टिकटों के बंटवारे पर मंथन होगा। इस मंथन के लिए चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर देर शाम बैठक होगी। कल देर रात हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है, क्योंकि कल बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। मंथन का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। आज बैक टू बैक तीन रोड शो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। समालखा में रोड शो के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। शाम को दिल्ली में उनकी बैठक होगी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर। यहां उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, नाम तय किए जाएंगे, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की जो कल बैठक है वहां पर नाम भेजे जाएंगे। उम्मीद यही है कि इस बैठक के बाद कल देर शाम बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ गए हैं। रवि, बीजेपी में भी मंथन का दौर चल रहा है, पहली सूची अभी उम्मीदवारों की आई नहीं है। आज मुख्यमंत्री शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक से पहले काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए शाम को तकरीबन 7-7:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि समालखा में वो अपनी एक रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उसके बाद वो सीधा दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। तकरीबन शाम 7:30 बजे तक अनुमान है कि वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनके निवास स्थान पर एक महत्वपूर्ण बैठक होते हुए नज़र आएगी, जिसमें हरियाणा के तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद हो सकते हैं। बात करें प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, सह प्रभारी विप्लव देव की, नायब सिंह सैनी, मोहन लाल बड़ोली क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। इस बैठक में आपको बता दूं कि जो उम्मीदवारों की जो सूची है उस पर विचार विमर्श होगा, चिंतन मंथन होगा। उसके बाद कल सुबह कोर कमेटी की बैठक है बीजेपी की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे और हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। मगर कल देर शाम केंद्र चुनाव समिति की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। यानी अगर केंद्र चुनाव समिति की बैठक कल होती है तो जो बीजेपी का वर्किंग स्टाइल है, वे ऑफ स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी दर्शकों को बताएं तो 30 तारीख को शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहली सूची जारी कर सकती है। लेकिन किस तरीके से नाम अभी शॉर्टलिस्ट हुए होंगे रवि, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है कांग्रेस को लेकर कि 3-3, 4-4 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, इन्हीं नामों पर आगे मंथन होगा जो सीईसी की बैठक से पहले आलाकमान तक पहुंचाए जाएंगे, बीजेपी को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कई विधानसभा सीटें हैं जहां पैनल ने कई नाम डिसाइड किए हैं, 2 से 3 नाम हैं, मगर कई ऐसी विधानसभा सीटें भी हैं जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जहां सिंगल नाम है, यानी वो उम्मीदवार दोबारा उम्मीदवार बन सकते हैं जो पिछली बार चुनाव में जीते हैं, विनिंग MLAs हैं जो उनको बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। वहीं कई लोगों की टिकट कट भी सकती है, कई युवा चेहरे भी बीजेपी इस बार मौका देते हुए नज़र आए। मगर जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि कुछ सीनियर लीडर्स भी चुनाव में उतर सकते हैं, मगर बहरहाल अभी कुछ भी कहना लाजमी नहीं होगा क्योंकि बीजेपी काफी अनुशासन में रहती है। लेकिन ऐसी खबरें तो रवि हैं, ऐसी खबरें हैं कि जो राज्यसभा सांसद हैं या फिर सांसद हैं उन पर दांव खेल सकती है बीजेपी, क्योंकि अभी कांटे की टक्कर नजर आ रही है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, उसको लेकर कोई अंदर खाते बातचीत चल रही हो? बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने बताया कि कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो पार्टी में बड़े नेता है और उनको पार्टी विधानसभा चुनावों में उतार सकती है। जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा किस तरीके से पार्टी ने कई ऐसे बड़े चेहरों को उतारा जो कि पहले केंद्र मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में ये देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हरियाणा के
कुछ बड़े चेहरों को चुनाव में उतार सकती है। वो बड़े चेहरे कौन होंगे उस पर आखिरी मोहर आला कमान द्वारा लगाया जाएगा। मगर मुख्यमंत्री की आज धर्मेंद्र प्रधान के निवास स्थान पर जो बैठक है, उस बैठक में काफ़ी कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद कोर कमेटी में विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद केंद्र चुनाव समिति में आखिरी लिस्ट पहुंचेगी और उस लिस्ट पर केंद्र चुनाव समिति मोहर लगाते हुए नजर आएगी, जिसके बाद हम देख पाएंगे कि पहली सूची जारी हो जाएगी। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी शामिल होंगे। टिकटों